إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله تقاته ولا تموتن إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ایمان بگانی دنیا تے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا ایمان بگانی دنیا اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کی مان بگانی چیزوں تے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھیں دل دنیا نال تلا بیٹھیں تو غافل موت بلا دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم مونا اس دنیا نہ تیرے کم مونا اس دنیا نہ تیرے کم مونا کتی دنیا کی دو وفا سجنا کتی دنیا کی دو وفا سجنا نہ رب دی یاد بلا سجنا کی مان بگانی دنیا اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا کتھے جور امیر غریباں دے مل دے کفن وینال نصیباں دے کتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وینال نصیباں دے ان کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا ان کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے بلالن لا سجنا کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے جا سجنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے
जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, दाता भी है, मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है, बिगड़ी को बनाने वाला भी है, दाता भी वही है, गौसे आजम भी वही है, दस्तगीर भी वही है, लजपाल भी वही है, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील और रुस्वा कर देता है, जिसे चाहता है उरूज अता करता है, जिसे चाहता है पस्ती अता कर देता है, जिसे चाहता है जिंदगी अता करता है, जिसे चाहता है मौत अता कर देता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटियां अता कर देता है, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां मिलाकर अता कर देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी अता नहीं करता, वो अपनी मर्जी का आप मालिक है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्ला, इस सारी कायनात के अंदर अकेले मेरे रब का हुक्म चलता है, अकेले मेरे परवरदिगार का ऑर्डर चलता है। आपके इस बहुत बड़े मुल्क, मुल्क के किसी बहुत बड़े शहर, शहर के किसी गांव, गांव की किसी बस्ती के कोहने पे लगा हुआ दरख्त, दरख्त पे लगी हुई टहनी और टहनी पे लगा हुआ पत्ता भी मेरे रब के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता है। दरुदो सलाम आकाए दो जहां, इमामुल अव्वलीन, इमामुल आखरीन, अहमद मुश्तबा, हबीब किबरिया, खैरुल वरा, बद्रुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, ला युम्किनुस्सना, सैयदुल अंबिया, जनाबे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। साहिबो और अजीज साथियों, आज का खुतबा जुम्मातुल मुबारक एक अहम पैगाम लेकर के मैं आप अहबाब के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान और फजल कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई, मैंने अपना वादा वफा किया, आप तशरीफ लेकर के आए। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। मैं ममनून और मशकूर हूँ मोहतरम जनाब राय, प्यारे भाई राय हसन अली साहब और राय मोहसिन अली साहब, और इसी तरह मोहतरम जनाब हमारे प्यारे भाई अबू बकर साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी ज़िंदगी में, इलम में, उम्र में बरकतों का नज़ूल फरमाए, इनकी औलाद में बरकतों का नज़ूल फरमाए। मौजूद सामईन, मैं हुक्म हुए मैं दो गल्लां डोड़े सामने कीमती करनिया ने। आज दा खुतबा बड़ा अहम खुतबा है, बड़ा अहम पैगाम तोड़े गोश गुजार करना चाहना। हजरात गिरामी कदर, ये दुनिया की जिंदगी आरसी जिंदगी है, न जाने किस वक्त शाम हो जावे और सानू वापस लौटना पवे। असी जिस जमीन के उत्ते रह रहे हैं, ये जरा घर है साडा, ये जरी सरजमीन है, ये साडी कोई नहीं, असी किसी और जगह तो आए हैं। साढ़े जरे वड्डे ने, साढ़े जरे अब्बा जान ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो इस जमीन दे रहने वाले नहीं सन, वो जन्नत दे रहने वाले सन। ते साढ़े जरा जिस्म है जरा अल्लाह ताला ने बनाया है, ते अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु बना के ते किथे भेजा, जन्नत विच। अल्लाह ताला ने हर चीज नु उसकी जगह दे मुताबिक बनाया, ते साढ़े जरा जिस्म है अल्लाह ताला ने ये जन्नत वास्ते बनाया, साढ़ा ठिकाना जन्नत है, और असी इस दुनिया दे विच इम्तिहान देवन लई असी इस दुनिया दे विच हाजिर होए, ते इम्तिहान दे विच पास होवांगे ते वापस अपनी असल जगह ते जावांगे, ते वापसी ठिकाने दो ने, या ते जन्नत ते या फिर अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार की है। ते जहन्नम दा इंदल इंसान ते पत्थर मिलके उस जहन्नम दी अग नु और भड़कावनगे। हजरात गिरामी कदर, जिंदगी का इलम ही कोई नहीं कि किस वक्त इख्तिताम हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने
सबसे ज्यादा उम्र अता फरमाई, सबसे ज्यादा उम्र अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। कितनी उम्र? 1450 साल तक, 1000 साल तक तौहीद की दावत दी, फिर 1450 रिवायात में 1600-1700 साल तक उनकी उम्र मौजूद है। उन्हों को लो किसी ने सवाल किया कि दसो तो सही तुहानू अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा उम्र अता की है तो तुसी किस अंदाज नाल अपनी जिंदगी नू वेखते हो कि तुहाडी जिंदगी किस अंदाज नाल गुजरी है? इतनी लंबी उम्र 1450 साल किवें गुजरी है? तो वह अपनी जिंदगी का तजर्बा बयान करते ने ते आखते ने मैनू इस तरह लगे है कि लहू बाबान कैफा वजदतल हयात दुनिया। सवाल है होया है कि दुनिया की जिंदगी तुहाडे नजदीक किवें दी है? ते जवाब देंदे ने मैनू एवें लगे है कि जिवें दो दरवाजे होवन, दखल मिन बाबिन व खारज मिन बाबिन, एक कमरा होवे ते उंदे विचों मैं दाखल होया हुआ ते दूसरे दरवाजे चो मैं बाहर निकल गया हुआ। मैनू 1450 साल एवें महसूस होए ने जिवें मैं एक कमरे चो लंघ के ते दूसरे दरवाजे चो बाहर निकल गया हुआ। हज़राते गिरामी कदर उम्र जिन्नी भी होवे, उम्र जिन्नी भी होवे, आखिरकार इंसान की मौत है, आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। भले कोई अमीर है, भले कोई गरीब है, भले कोई राणा है, भले कोई पीर है, भले कोई अल्लाह का वली है, भले कोई बहुत नेकोकार है, भले कोई अंबिया पैगंबर और रसूल हैं, जो भी दुनिया में आया है इसने दुनिया से वापस जा करके रहना है। हज़राते गिरामी कदर कुल्लू नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर चीज ने मौत दा जायका चखना है। और अरबी दा शायर आखदे अल मौत कदहुन कुल्लू नफ्सिन शारिबुहा, ए मौत एक ऐसा प्याला है हर जी रू ने इस मौत दा जायका, इस मौत दा प्याला पी करके रहना है। और वल कब्र बाबुन कुल्लू नफ्सिन दाखिलुहा, और कब्र एक ऐसा ठिकाने हर बंदे ने कब्र दे विच जा के रहने और उस ठिकाने ते पहुंच के रहने। और आगे फरमाया लौ कान फिद दुनिया बकाउन, अगर इस दुनिया दे अंदर किसी नु बका हुंदी, अगर इस दुनिया दे विच किसी ने जिंदा रहना होंदा, लमा माता खैरुल मुरसलीन मुहम्मदु, तो फिर अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम नु जिंदा रख दे, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया दे विच जिंदा रहंदे। अगर वो दुनिया में नहीं रहे तो फिर मानना ये है इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना है। ये दुनिया वापिस जाने का घर है, इम्तिहान की जगह है। हज़राते गिरामी कदर आइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने फरिश्ता भेजा, फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आ गया है। हज़राते गिरामी कदर अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगा देती है, कुल यतवफाकुम मलकुल मौतिल लजी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाउन। अल्लाह ताला ने फरिश्ते दी ड्यूटी ला छड़ी है, फरिश्ते दी एक ही जिम्मेदारी है, फरिश्ता रूह को कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने उस पर ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी लगा दी है। वो फरिश्ता आता है, रूह को कब्ज करके ले करके चला जाता है। अरे वो नहीं देखता कि ये तो बूढ़ा बाप है, इसकी जवान औलाद है। वो बूढ़े वालिदैन से नौजवान बच्चे लेकर के चले जाता है, वो नहीं देखता, वो नौजवान बच्चों से बूढ़े वालिदैन लेकर के चला जाता है। वो नहीं देखता इन बच्चों को अपने वालिद से बड़ा प्यार है, वो वालिद को दुनिया से लेकर के चला जाता है। वो नहीं देखता कि माँ के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी, वो माँ को बच्चों से छीन करके लेकर के चला जाता है, भाइयों से भाई लेकर के चला जाता है, बहनों से बहने लेकर के चला जाता है। उसकी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। आप और मैं इस दुनिया के अंदर जो मौजूद
मौजूद हैं, पता कोई नहीं किस वक्त ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दे, पता कोई नहीं किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए। हजराते गिरामी कदर हजरत मूसा अला नबी की ना फरिश्ता आ गया, आकर के पैगाम देते अल्लाह की तरफ से आया हूँ, तो रूह कब्ज करन वास्ते आया वहां आ जावन का वक्त करीब आ गए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने यूं थप्पड़ मारा और उसकी आंख निकल गई। सही हुल बुखारी की रिवायत है, आंख का डेला निकल गया, आंख का डेला पकड़ करके रब की अदालत में हाजिर हुआ। रब्बा तूने तो भेजा था मूसा की रूह कब्ज करने और उन्होंने थप्पड़ मारा और ये आंख निकल गई। अल्लाह ने कहा जाओ पूछो, पूछो क्या चाहता है मेरा नबी। जाकर के सवाल किया और कहा ऐसा कीजिए, एक बैल एक गाय के ऊपर हाथ रखिए और आपके हाथ के अंदर जितने बाल आएंगे, जितने भी बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, हम उतने सालों तक आपकी उम्र को और बढ़ा देते हैं, उतने साल आपकी उम्र और बढ़ा दी जाती है। हजरत मूसा पूछते हैं फिर क्या होगा, कहा उन सालों के बाद फिर भी मौत ही है, चाहे हजार साल गुजारिए 2000 साल गुजारिए आखिर मौत है, मौत आकर के रहनी है। कहा अगर तब भी मौत आनी है तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। हजरात ग्रामी कदर पहला पहला मसला हमने ये समझा है, किसी की उम्र 1000 साल या किसी की उम्र 100 साल है, आखिर मौत है, मौत आकर के रहनी है। हजरात गिरामी कदर तवज्जो, आप अलैहिस्सलाम की आप हदीस सुनिए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते इदा अम सईता फला तंतजिर मसा, आप फरमाते हो मेरे यारो अगर तुम सुबह कर लो तो रात का कभी इंतजार न करना। ऐसा भी हो सकता है सुबह तुमने इस सरजमीन के ऊपर की है, सुबह तुमने अपने घर के अंदर की है और रात तुम्हारी कब्र के अंदर हो सकती है। अगर तुम रात कर लो तो सुबह का इंतजार न करना। माना ये हुआ अगर किसी ने सुबह का दिन देखा है वो रात तक अपनी मौत को अपने सामने रखे, मालूम कोई नहीं है कि उसने रात देखनी है कि नहीं देखनी। अगर उसने रात देखी है तो वो ये याद रखे सोने से पहले अपने गुनाहों को माफ करवा करके सोए, मालूम कोई नहीं है रात उसने रात को सोया है सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा। आप अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया अगर सुबह की है रात का इंतजार ना करना, अगर रात की है सुबह का इंतजार ना करना। लेकिन हमारा अंदाज और है, आज का नौजवान सारी जिंदगी इसी बात पर गुनाह करता है। मैं तो हद नौजवाना वेखी जाएगी, जो मरांगे वेखी जाएगी, जो बुजुर्ग होंगे तो देखा जाएगा। क्या अल्फाज कहते हैं, अगर उसको कोई समझाने वाला हो वो कहते मौलवी साहब तुसी ते एवी डरा रहे हो, भले भी कोई मसला वेखिया जाएगा, जो बीमार होवांगे वेखिया जाएगा। क्या हजरात गिरामी कदर कब देखा जाएगा, कब देखा जाएगा, जब इंसान बीमार हो जाएगा क्या तब देखा जाएगा, जब सजदा करने की ताकत नहीं होगी क्या तब देखा जाएगा, जब मौत का फरिश्ता आकर के रूह को कब्ज करके लेकर के चला जाएगा क्या तब देखा जाएगा, जब इंसान का लिबास फाड़ करके उतार दिया जाएगा क्या तब देखा जाएगा, जब गुस्ल दे दिया जाएगा क्या तब देखा जाएगा, जब जनाजा पढ़ा करके कब्रिस्तान की मनो मट्टी के नीचे इंसान को दबा दिया जाएगा क्या तब देखा जाएगा। ओए पापा उस वक्त नहीं देखा जाएगा, उस वक्त तो फिर जजा और सजा का वक्त होगा, उस वक्त तो फिर फरिश्ते सवाल करेंगे, उस वक्त नहीं देखा जाएगा, अभी देखा जाएगा। अभी हम अपनी जिंदगी को देखिए, अभी सुबह शाम को देख करके अपनी आखिरत की तैयारी हम ऐसे करें कि हम दुनिया से रुखसत हुए और रुखसत हों तो फरिश्ते सलाम कहें, सलामन सलामा की आवाजें आए। हजरात गिरामी कदर
हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, दो मौतें हैं, दो अंदाज के इंसान दुनिया से रुखसत होंगे। एक जो नेक बंदा है उसकी रूह को कैसे कब्ज किया जाएगा? आप फरमाते हैं जो नेक बंदा है उसकी रूह को ऐसे कब्ज कर लिया जाता है, इतनी आसानी से रूह कब्ज हो जाती है जैसे एक मशकीजा हो, उस मशकीजे के अंदर पानी को उंडेल दिया जाए तो वो फौरी पानी सारा का सारा नीचे गिर जाता है, ऐसे रूह निकल जाएगी और फरिश्ते खूबसूरत अंदाज में उसके सामने आएंगे और उसको सलाम पेश करेंगे, उसकी रूह को खुशबूदार कपड़े के अंदर लपेट करके ले करके जाया जाएगा और हर आसमान पर उसको सलाम सलाम सलूट मिलेंगे। हजरात गिरामी कदर अंदाज देखिए, यही बंदा कब्र के अंदर जब ये मर जाता है तो फिर अपने रिश्तेदारों से कहता है, जल्दी करो जल्दी मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले करके जाओ, मेरी जन्नत मेरा इंतजार कर रही है, देर ना लगाओ जल्दी करो, मैंने अपने ठिकाने पर पहुंचना है। हज़रते ग्रामी कदर ये चला गया, अब ये नेक बंदा है, इसके जनाजे भी नेक लोगों ने पढ़े, इसके लिए दुआएं हुई, इसका बैठना उठना नेक लोगों के साथ था। आइए आज के खुतबे से ये भी पैगाम ले करके जाइए, अगर आप चाहते हैं आपके जाने के बाद आपके लिए लोग हाथ उठा करके दुआ करें, फिर तोड़ी यारी किसी पंगी दे नाम नहीं होनी चाहिए, तोड़ी यारी किसी चर्सी दे नाम नहीं होनी चाहिए, तोड़ी यारी दुनियादार लोगों दे नाम नहीं होनी चाहिए, तोड़ी यारी दुनिया के अंदर गरक हुए हुए जिन्होंने नमाज का पता कोई नहीं, रोजे का पता कोई नहीं, हाँ हाँ किसी अंदाज से दीन से दूर लोग हैं और तुसी फखर कर दियो, ओए मेरी यारी फलां चौधरी दे नाले, मेरी यारी फलां बंदे दे नाले, उनकी दुनिया ठाट पाट पड़ी है, उनके कोल पैसा बड़ा है। हज़रात गिरामी कदर एवें दी यारी दा कोई फायदा नहीं कि बंदा दुनिया तो गया है और यार पीछे खड़ा है, उस यार नूं जनाजे दी दुआवां भी कोई नहीं आंदियां, उन्हें पता ही कोई नहीं मैं अपने यार वास्ते दुआ केरी करनी है। यार बनाओ यार, इन नमाजी लोगों को अपना दोस्त बनाइए, इनके साथ अपना ताल्लुक बनाइए, उलमा के साथ बैठना उठना बनाइए, उलमा के साथ ताल्लुक बनाइए, उलमा के साथ बैठिए उठिए, ताकि आप दुनिया से जाएं और ये नेक लोग आपके लिए हाथ उठा करके दुआ करने वाले तो कम अज कम इस अंदाज की जिंदगी गुजारिए। हज़रते गिरामी कदर वो बंदा कब्र के अंदर पहुंच गया, अब आप आगे आकर के सवाल करने वाले फरिश्ते आगे हैं, आकर के पूछते मन रब्बू का, मन नबीजू का, मां दीनों का, बता बता तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, किस दीन पर अमल करके आया है। हज़रते गिरामी कदर हुजूर की हदीस सुनिए, आप फरमाते वो बंदा नमाजी होगा, नमाजें पढ़ने वाला होगा, वो फरिश्तों से कहेगा अरे फरिश्तियों पीछे हट जाओ, मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं अपनी नमाज अदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह, फरिश्ते आखनगे नहीं नहीं हुण नमाज पढ़ने का वक्त खत्म हो गया, हुण ते फिर सलाम पेश किए जावनगे। आप फरमाते ने उसकी कब्र के अंदर जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाएगा, उसकी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाएगा और उसके लिए कायनात का परवरदिगार आवाज लगाएगा, नम का नौमतिन उरूस, और मेरे बंदे सो जा, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है, तेरा परवरदिगार तुझे खुद उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नेक जिंदगी अच्छी जिंदगी और अच्छी मौत, और बुरी जिंदगी नमाजी नहीं बना, रब का इबादत गुजार नहीं बना, सारी जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजार दी, शैतान के कहने पर गुजार दी, अब आ गई मौत, आ गई मौत, आ गई। कैसे मौत आती है? एक गुनाहगार बंदे को मौत की कफियत क्या होती है? आप फरमाते हैं जैसे एक मखमल का एक कपड़ा जो है वो एक धारीदार एक धारीदार टहनी पर लटका दिया जाए और उसके उसके कांटे उसको चुभ जाएं और जब वो कपड़ा खींचा जाए जिवें वो कपड़ा लीरो लीर हो जांदे, जिवें वो कपड़े दा एक एक जर्रा अलग हो जांदे, इसी अंदाज दे नाल जदो एक गुनाहगार बंदे दी रूह नूं कब्ज़ कीता जांदे, पूरे जिस्म दे एक एक आजाद विचों नूं खिंच के और निकाल लिया जांदे और फिर उस नूं बदबूदार कपड़े
मिर्च डाल के और हर तरफ उसको ले करके कोई भी उसे कबूल नहीं करता। और फिर जब घर वाले उस चारपाई को उस जनाजे को उठा करके ले करके जा रहे होते हैं, जैसे ही मौत आती है अब नाम ही तब्दील हो गए। अब कोई नहीं कहता राणा साहब, कोई नहीं कहता जट साहब, कोई नहीं कहता बट साहब, अब तो नाम तब्दील हो गए। अब हर कोई यही कहता है मैयत को देर हो रही है, मैयत को देर हो रही है, जल्दी जल्दी हुजूर ने जल्दी कफनाने का हुक्म दिया है, इसको लेकर के चल दिए। आप फरमाते हैं रिश्तेदार पकड़ के कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जा रहे हैं, और ये बंदा उनको कहता है तुम मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, मुझे मेरा ठिकाना नजर आ रहा है, मुझे कब्रिस्तान में दफन ना करो, मुझे ना लेकर के जाओ। और वो उनको रोकता है, आखिरकार कब्र में तो जाना ही जाना, कब्र में दफना दिया जाता है। अब अपने वहां पर छोड़ करके वापिस आ जाते हैं, भाई भाइयों से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन भाई कहते हैं हमारा और तुम्हारा यही तलक साथ था, आगे तुम जानो तुम्हारे आमाल जाने। बच्चे आते ने बाबा बड़ा प्यार है तेरे नाल, लेकिन अगे अगे नहीं जा सकता, हर बंदा आगे अकेला होगा, न उसके साथ उसकी बीवी होगी, न उसके साथ उसके बच्चे होंगे, न उसके साथ उसका खानदान होगा, न उसके साथ उसके प्यारे होंगे, न उसका साथ देने वाले दोस्त होंगे। अब आपने फरमाया जब अपने अजीज दफना के वापस आ रहे होंगे ने कि ओ कब्र दे विच पिया होया बंदा उनकी आवाज सुनता है, उनके कदमों की आहट को सुनता है, उनकी आवाज को सुनता है और कहता है तुम मुझे कहां छोड़ करके जा रहे हो। फिर आ जाते हैं फरिश्ते, और फरिश्ते आकर के सवाल करते हैं मन रब्बू का मन नबीजू का, बता बता किस रब की इबादत करके आया है, ऐ सारी जिंदगी में सीधी आया ही कोई नहीं है, इनने नमाज अदा ही कोई नहीं की थी, इबादत की थी कोई नहीं है, इसको पता ही कोई नहीं है। ये वहां पर जवाब देगा हा हा ला अदरी, ओए मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है, मैं नहीं जानता मेरा नबी कौन है, मैं नहीं जानता किस दीन की तुम बात कर रहे हो। उस वक्त फिर हुजूर फरमाते हैं यारो दिल पे हाथ रख करके सुनिएगा, ठिकाने दो ही होंगे ने, या तो जन्नत कामना ठिकाना होगा या फिर जहन्नम ठिकाना होगा, कार दो ही अल्लाह ने तैयार कीते ने, या तो जन्नत विच तैयार महल हो गए या फिर जहन्नम दे ओ गड़े ने जेड़े अल्लाह ने तैयार कर छड़े ने। हजरत गिरामी कदर हुजूर फरमांदे ने ये जो बंदा गुनाहगार है कब्र इसके इसके लिए कब्र में जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाएगा, इसको आग का लिबास पहना दिया जाएगा, और इसके लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाएगा। और आप फरमाते हैं कब्र इसको इतने जोर से दबाएगी, इतने जोर से दबाएगी, कितने जोर से दबाएगी, हुजूर ने मिसाल देकर के बात वादे की। आपने यूं अपनी उंगलियां एक दूसरी उंगलियों में डाल करके कहा कब्र इतनी जोर से दबाएगी, इतनी जोर से दबाएगी, इसकी दाई पसलियां बाई तरफ और बाई पसलियां दाई तरफ आ करके चूरा बन करके रह जाएंगी, करके रह जाएंगी, और ये चीख मारेगा, और इसकी चीख को जिन्नों और इंसानों के अलावा हर किसी तमाम मखलूकात सुनेंगी और रब से तौबा करेगी। हज़रते गिरामी कदर ठिकाना दो ये, या फिर जन्नत है या फिर जहन्नम है, इस वक्त जरूरत है। मेरे भाई ने जो मुझे हुक्म दिया है ये एक दर्द दिल है, एक फिक्र है कि हम आखरत की फिक्र को अपने दिल में डाल लें, और हम सब आखरत की फिक्र करके हम सब नमाजी बन जाएं, हम सब इबादत गुजार बन जाएं। कोई एक बंदा भी आज का खुतबा सुन करके नमाज पढ़ने लग जाए, आज के खुतबे का हमें सिला मिल जाएगा। और दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादत वाली जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। बंदे ये यहाँ तक मैंने जो फिक्र आखरत के हवाले से मैंने आपके सामने चंद बातें गोश गुजार की हैं। हजरात गिरामी कदर पता कोई नहीं है, मैं आखे अगर किसी ने
इस दुनिया दे विच रहना हुंदा ते हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने जेड़े इस दुनिया दे विच बाकी रहते। हजरात गिरामी कदर देखिए, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम का भी अंदाज देखिए। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम बीमार हो गए, आपकी तबीयत इतनी नासाज हो चुकी है, आप अलैहि सलातु वस्सलाम को बुखार है और आपको आपको पानी की पट्टियां की जा रही है। आप अलैहि सलातु वस्सलाम को दो आदमियों जितना बुखार हो चुके, एक बंदे नु जरा बुखार होंदे ना वो 105-6-7 तक बुखार होंदे, इस तो बाद इंसान दा जेड़ा जिस्म है उस बुखार नु बर्दाश्त नहीं कर पांदा और इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है। हजरात गिरामी कदर हुजूर नु बुखार है ते बुखार 105-6 नहीं, हुजूर नु बुखार 200 तो ज्यादा हुजूर अलैहि सलाम नु टेंपरेचर और बुखार है। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम का सर मुबारक दुख रहा है, आपने अपने सर मुबारक पर सुरख रंग की पट्टी बांधी हुई है। आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक पानी के प्याले में रखा हुआ, आज मेरे नबी को बड़ी 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 तबीयत मेरे आका की नसाज है, मेरे आका की जिंदगी के आखिरी लम्हात, मेरे आका अपने अपने उस हाथ जब वो गीला हो जाता है उसको चेहरे पर मलते हैं, आपका जिस्म इतना गर्म हो चुका है चादर के ऊपर से भी आपको हाथ नहीं लगाया जाता। आप अलैहि सलातु वस्सलाम कभी बेहोशी के आलम में जाते हैं, कभी उठते हैं फिर बेहोशी के आलम में चले जाते हैं। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, जाओ ना मेरी बेटी फातिमा को बुला करके लेकर के आओ, मैं अपनी बेटी फातिमा से मुलाकात करना चाहता हूँ। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा दरवाजे पर आई है, आंखों में आंसू हैं। पहले जब सैयदा दरवाजे पर आया करती, आप दरवाजा खुद खोला करते, आप इस्तकबाल किया करते, लेकिन आज आपकी तबीयत बड़ी नासाज है। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा ने जब मेरे आका की तबीयत को देखा तो करके कहने लगी कि मेरे बाबा वाह करवा अभा, न जाने मेरे बाबा को क्या हो गया, मेरे बाबा की तबीयत आज बड़ी नासाज है, मेरे बाबा को आज बड़ा बुखार है, मेरे बाबा की तबीयत बड़ी नासाज है। हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने यूं सैयदा फातिमा तज़हरा को बुलाया, कहा बेटा मेरे करीब आ जा, मैं तुझसे चंद बातें करना चाहता हूँ। वो आपके करीब आई हैं, मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते हैं, बेटा फातिमा तेरी और मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया है, तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, तेरी और मेरी जुदाई का वक्त करीब आ गया है, तेरे बाबा तुझसे रुखसत होने वाले हैं, तेरे बाबा तुझे छोड़ करके जाने वाले हैं। हजरत फातिमा ढाई मार करके रोने लग गई, और आम बाबा हो किसी का उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, वो बाबा जो नबियों का सरदार है, जो बस सुहा वाले मुखड़े वाला, जिनके चेहरे को देख लिया जाए तो अल्लाह जहन्नम की आग को हराम कर देता है। सैयदा फातिमा तज़हरा को अपने बाबा से बड़ा प्यार, रोने लग गई। फिर हुजूर ने बुलाया, कहा फातिमा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन कल कयामत वाले दिन मेरे रिश्तेदारों में सबसे पहले तेरी और मेरी मुलाकात होगी, सबसे पहले तू आकर के मिलेगी। हजरत फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने रोना बंद किया है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में बैठे हुए, आपने गोद में सर रखा हुआ, अम्मा जान फरमाती हैं सुनो कायनात के लोगों मेरा नसीबा देखो, अल्लाह ताला ने मुझे ये अता किया है ये नसीबा कि जब हुजूर दुनिया से रुखसत हुए तो मेरी गोद में आपका सर मुबारक था। आप अलैहि सलाम ने मिसवाक को देखा, मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दी है, अल्लाह ने मेरा लुआब और मेरे नबी का लुआब आखिरी वक्त में एक कर दिया, और हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम ने यूं अपना हाथ मुबारक उठाया है, अम्मा जान की गोद के अंदर सर रखा हुआ यूं हाथ मुबारक उठाया है और दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं
हैं। इसी दौरान हाथ मुबारक नीचा आता हुआ दिखाई दिया। अम्मा जान ने देखा मेरे आका दुनिया से रुखसत हो गए। मदीना के अंदर कोहराम मच गया। हाय हुजूर दुनिया से चले गए हैं, हुजूर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मदीना के अंदर जुल्मात छा चुके हैं, आका दुनिया से चले गए। सहाबा ने अपना होश खो दिया है, सहाबा सारो कतार रो रहे हैं। हजराते गिरामी कदर आखिर मौत है, आखिर मौत है। अगर किसी ने रहना होता तो मेरे आका दुनिया में रहते, मेरे आका को रोजे मुबारक में छोड़ करके हजरत अली कुल मुर्तजा वापिस आ रहे हैं। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा दरवाजे पे खड़ी हैं और बोल करके कहती हैं, ओ अली बतलाओ तो सही ना, तुमने इतना खूबसूरत चेहरे पर तुमने मट्टी कैसे डाल दी? तोड़ा किवें हौसला पिया कि तुसी मेरे बाबा के चेहरे के उत्ते मट्टी पा छड़ी है? कैसे तुम्हारा जिगरा किया? तुम तो अपने अपने नबी से इतना प्यार करने वाले सहाबा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हजरत फातिमा तज़हरा मेरे आका के हमने शायरा बन गई और शायरा बन करके बेसाख्ता कहने लगी, वाह करबा अभा। आप कहने लगी, आज जो मुझ पर जितने गम हैं, अगर ये दिनों पर गम आ जाते, दिन सया हो जाते। और फिर आप अपने अशार में कहने लगी, जाओ कोई जा करके जिब्रील को पैगाम दे, और जिब्रील आज के बाद मदीना में ना आना, तो जिनसे मुलाकात करने के लिए आया करता था, तेरे बाबा अब नहीं रहे हैं। आज के बाद जिब्रील मदीना में ना आना, तो जिनसे मुलाकात करने आया करता था, मेरे बाबा दुनिया में नहीं रहे हैं। हजरत गिरामी कदर मेरे 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 आका का गम हजरत फातिमा तज़हरा को इतना लगा, सिर्फ 6 महीने आप हुजूर के बाद जिंदा रही, 6 महीने के बाद आप अपने बाबा के गम में दुनिया से रुखसत हो। अगर किसी ने रहना होता तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम थे। आइए आइए, हमने अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, और मुझे जो जो, जो पैगाम जो हुक्म दिया गया मैं पूरा करूं, अब फिक्र कैसी होगी? आइए आइए आइए, अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं हमें अच्छी मौत मिले और आखिरत अच्छी हो जाए, तो फिर कम अज कम 5 वक्त अल्लाह के दरबार में हाजिर हो, ये 5 वक्त नमाज का एहतमाम कीजिए। हजरात गिरामी कदर नमाज पढ़ने से मिलता गया है, गुनाह झड़ जाते हैं, गुनाह खत्म हो जाते हैं। जब बंदे के जिस्म में गुनाह नहीं रहेंगे और मौत आएगी तो फिर खैर ही खैर है। हजरात गिरामी कदर नमाज का एहतमाम करना है। हाफिज़ू अलस्सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है। वह अकीमिस्सलाता तरफ़ैन नहारी वसुलफ़म लेल। आइए आइए गौर फरमाइए, नमाज पढ़ने से कैसे गुनाह झड़ते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा जिसने नमाज पढ़ने की नियत की है, घर से आ गया है और आकर के उसने वजू शुरू किया है, उसने हाथ धोए हैं। आप फरमाते, जब वो वजू के लिए हाथ धोता है, अल्लाह हाथों के गुनाहों को माफ कर देते है। जब वो कुल्ली करता है, अल्लाह मुंह के गुनाहों को माफ कर देते है। जब वो चेहरा धोता है, अल्लाह चेहरे के गुनाहों को माफ कर देता है। हत्ता तखरुजा खतायाहू मिन तहती, यहां तलक के जो उसके नाखूनों के नीचे भी गुनाह मौजूद होते हैं, वुजू करने की वजह से अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। गुनाह माफ होंगे, नमाज नमाज पढ़ने से गुनाह माफ होंगे। हजरात गिरामी कदर आइए, अभी नमाज पढ़ी कोई नहीं, अभी सिर्फ वजू हजे वजू कीते ते जिस्म के सारे वजू वाले जिनने अजान है, अल्लाह ने सारे अजावा तो गुनाह माफ कर छड़े ने, हुजूर फरमांदे ने। फिर बंदा वजू करन तो बाद कलिमात अदा कर दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, ये कलिमात अदा करता है। आप फरमाते, फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति समानिया, जब ये कलिमात बंदा पढ़ता है, अल्लाह उस बंदे के इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल करके रख देता है। हक सुभान अल्लाह,
नमाज हजे कोई नहीं पढ़ी, वजू कीता है, कलिमात पढ़े ने, जन्नत के दरवाजे खुल गए। बोलो जन्नत के दरवाजे। तुसी आखिरी 10 मिनट में तुसी मेरे नाल बोलो, जरा इस गर्मी को बर्दाश्त करें, ये गर्मी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हम दुआ करते हैं, अल्लाह ये जो तेरी रजा के लिए इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह हशर जी गर्मी तो, कब्र दी गर्मी तो सानू सारे नु महफूज फरमा। उची कह दो आमीन। हजरात गिरामी कदर हजे वजू कीते ते जन्नत दे सारे दरवाजे खुल गए। आप अलैहि सलाम फरमाते हैं, फिर बंदा आ गया, आकर के उसने अपने दोनों हाथों को उठा दिया, अल्लाहु अकबर की सदा लगाइए, हाथ बांध दिए है, अल्लाहु अकबर कह करके नमाज को शुरू कर दिया। और क्या कहा? अल्लाहु अकबर, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा, मेरी दुकान बड़ी नहीं, मेरी फसल बड़ी नहीं, मेरी मसरूफियात बड़ी नहीं, ए अल्लाह तू सबसे बड़ा। आप फरमाते हैं जब बंदा अल्लाहु अकबर की सदा लगा के नमाज शुरू करता है ना, तो उसके जिस्म से मतलब पांव से निकल कर के सारे गुनाह ना उसके सर के ऊपर आकर के जमा हो जाते हैं। और फिर जब वो अल्लाहु अकबर कह करके अपने सर को सजदे में रहता है, कता याकुम मरफूअतुन अला रासिही, आप फरमाते हैं सजदा करने की वजह से अल्लाह सर वाले गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। सारे गुनाह जिस्म चो निकल के सिर ते आ गए, ते सजदा कीते ते सिर दे गुनाह भी चढ़ गए, ते नमाज पढ़ी है ते जिस्म ते कोई गुनाह ही नहीं बाकी। सुभान अल्लाह, हैं क्या खूबसूरत बात है। हजरात गिरामी के अंदर आइए आइए, मैं 50-70 मिनटा दे विच अपनी बात को खत्म करन लगा। आप अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया है, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते हैं सहाबा से आपने सवाल किया, आपने पूछा बताओ तो सही, इदार रईतुम लौ अन्न नहरन बिबाब अहदिकुम यक्तसिलु मिनहु कुल्ल यौमिन खमसा मरातिन हल यबकूना मिन दूनिही शैई। ऐ सहाबा बताओ तो सही ना, अगर किसी बंदे दे दरवाजे दे सामने हो एक नहर गुजरती होए और उस नहर दे विच वो पांच वक्त नहांदा होए ते क्या उसके जिस्म दे उते कोई मैल कुचैल बाकी रह सकती है? सहाबा अर्ज कर देना आका नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कोई मैल कुचैल उसके जिस्म जरा पांच वक्त नहावे उनके जिस्म ते कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। आप फरमाते ने फिर मसला समझो ना, जरा पांच वक्त नहावे उनके जिस्म ते मैल बाकी नहीं रहती है, जिहड़ा पांच वक्त नमाज अदा करे अल्लाह उसके जिस्म के उत्ते कोई गुनाह बाकी नहीं रहन देगा। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर आइए आइए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अस्सलातुल खम्स वल जुमुआतु इलल जुमुआती कफारतुल लिमा बैनहुन, आप फरमाते हैं एक नमाज बंदे ने पढ़ी है, दूसरी नमाज के दौरान उसने जिसने गुनाह किए ने जो दूजी नमाज पढ़न आएगा जो सजदा करेगा अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। फिर चला गए बंदा जो होया गुनाहगार जो होया गुनाह फिर हो गए हैं, गुनाह कर लिए, मगरब पढ़ना है असर तो मगरब तक दे गुनाह अल्लाह ने माफ कर छड़े ने। हुजूर फरमाते ने मगरब पढ़ के चला गया, मगरब तो इशा तक गुनाह हुए ने, इशा पढ़ी गए ते इशा पढ़न दी वजह तो अल्लाह ने वो भी गुनाह माफ कर छड़े ने। मैं तोड़े को लो एक सवाल करना, मैनू जरा ए ते दसो जरा बंदे दा मौत दा वक्त है, इधरी मौत है कितों आएगी भला? पता है तुहानू नहीं पता? मैनू पता, मैं तुम दसना कितों मौत आई आपको, मुझे हर किसी को मौत कितों आई? तुझे आगे पहले नवी गल फरूकी साहब करने लगे ने आज, हैं कितों मौत? मौत का वक्त कितों होएगा? या तो होएगा फजर तो बाद, या जोहर तो बाद, या असर तो बाद, या मगरिब, या इशा तो बाद, ठीक है? एवं गल है। तो हुजूर ने की फरमाया, अगर बंदे ने नमाज पढ़ी है ना फजर दी, तो फजर दी नमाज पढ़ी है तो जिस्म दे गुनाह माफ हो गए, तो फजर तो बाद मौत आई है तो मुलाकात रब नाल होई है तो जिस्म दे कोई गुनाह बाकी नहीं, जोहर पढ़ी है तो गुनाह माफ है, असर पढ़ी है तो गुनाह माफ है, तो किड्डा खूबसूरत पैकेज है हुजूर ने दे छड़े। और कुछ ना करो, पांच वक्त रब नु सजदा कीती जाओ, अल्लाह गुनाह माफ करी जाएगा, रब नाल मुलाकात होगी, ते जिस्म ते गुनाह ही कोई नहीं होएगा। हज़रात गिरामी कदर आओ आओ तवज्जो मेरी तरफ रखिए, आप ये कितना कबीरा गुनाह
नमाज को छोड़ना कितना कबीरा गुना है। आप नमाज जो बंदा पढ़ता है उसके जिस्म से फिर गुनाह कैसे मिटते हैं। एक सहाबी मेरे नबी दे कोल आया, आके अरज कर दे आका मेरे को गुनाह हो गए, मेरे को गलती हो गई है, ते मेनू जो सदा दुनिया दे विच जो नमाज पढ़ी दी है ऐसा दिल नु सुकून मिल दे करार मिल दे। लोग यार चंगा कीते नमाज पढ़ छड़ी है जरा दिल नु सुकून मिल गए, तबीयत हशाश पशाश हो गई है। ओए क्यों ना होवे, हुजूर दी हदीस सुनो, आपने फरमाया जुइलत कुर्रतु आइनी फिस सला, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है, मेरा दिल का सुकून नमाज के अंदर है। एक रोज मेरे नबी बड़े परेशान हैं, बड़े बेकरार हैं, मेरे आका तलाश कर रहे हैं बिलाल कहां है, बिलाल कहां, बिलाल मिल गए। का आई बिलाल अज़िन अरहना बिस सला, ओ बिलाल भज के आ, आके अजान पढ़, असी नमाज पढ़ के दिलों का सुकून हासिल करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अपनी आखरत की तैयारी करनी है, अपनी आखरत की तैयारी नमाज के साथ कीजिए। ये मेरे प्यारे भाई हसन साहब ने जो मुझे मौजू दिया बड़ा अहम मौजू है, अपनी नमाजों की फिक्र हम करें। हजरात गिरामी कदर आइए आइए, नमाज 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 के बगैर गुजारा कोई नहीं है। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्लल फरदैनी दखल अल जन्ना, जो जो दो नमाजों का एहतमाम करे खुसूसी फजर और असर की नमाज दाखिल अल जन्ना, वो बंदा जन्नत दे विच दाखिल हो जाएगा। हजरात गिरामी कदर आइए, जो नमाज इंसान जो नमाज को छोड़ देता है उसके साथ क्या सलूक होता है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिए, आप अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से के अंदर आपने एक रोज इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, आप फरमाते हैं मुहर्रिको अलैहिम बुयूतहुम, फरमाते ने मेरा दिल कर दे जेड़े बंदे नमाज पढ़ने वास्ते नहीं आंदे मसीते, मेरा दिल कर दे मैं अपने मुसल्ले ते किसी और नू खड़ा करा ते मैं जाके उन्ना दे करन अग ला दवा, उन्ना नू राख बना दवा। मेरा रहमतल लिल आलमीन पैगंबर कितनी सख्त गुफ्तगु आ फरमा रहे कि जेड़ा बंदा नमाज पढ़ने वास्ते नहीं आंदा। अगली गल सुनो, तोड़ा दिल कपकपा जाए, हुजूर दी बात सुनिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तरा का सलासल अशरी मुतअम्मिदा फकत हाबित अमलहु, आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिन्नियां मर्जी बंदे ने नेकियां कीतियां ने अगर एक एक नमाज बंदे ने जान बूझ कर एक नमाज अगर बंदे ने छोड़ दिए अल्लाह पिछली सारी नेकियों को जाया करके रख देगा। अल्लाह नु बेनमाजी बंदा कबूल कोई नहीं है। हजरात गिरामी कदर गुनाह करके आओगे नमाज पढ़ोगे अल्लाह गुनाहों नु माफ कर छड़ेगा, लेकिन नमाज छोड़ोगे तो अल्लाह नेकियां भी जाया करके रख देगा। आप अलैहिस्सलाम आपने मिसाल दीती है, मिसाल आप फरमांदे ने का अन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, आप फरमांदे ने एक कार होवे उस कार दे अंदर अहलो अयाल होवन, तेरी बीवी भी होवे तेरे बच्चे भी होवन, तेरा माल सारी जिंदगी दा उस कार दे विच होवे, आप फरमांदे ने उस घर के अंदर आग लग जाए माल भी जल जाए बच्चे भी जल जाए अहलो अयाल भी जल जाए सब कुछ जल करके राख बन जाए। हुजूर फरमांदे ने एडा नुकसान इस बंदे दा नहीं है जिसका सारा कुछ जल गया है जितना नुकसान एक बेनिमाजी का नमाज को छोड़ने की वजह से होता है। हजरत गिरामी कदर पीर अब्दुल कादिर जिलानी को जानते हैं? हाँ हाँ, पीर अब्दुल कादिर जिलानी का फतवा सुनिए, फतवा आप फरमाते हैं जो बंदा बेनिमाजी है और बेनिमाजी मर गया तौबा किए बगैर मर गया, उसने नमाज अदा नहीं की उसने तौबा नहीं की, बंदे जानते हैं ये बेनमाजी था, कभी मस्जिद के अंदर नहीं आया कभी नमाज के लिए नहीं आया, आप फरमाते हैं ला युगसल, उस बंदे को मुसलमानों की तरह गुसल न दिया जाए, ला युकफन, उस बंदे को मुसलमानों की तरह कफन न दिया जाए, ला युसल्ला अलैह, आप फरमाते हैं उस बेनमाजी का नमाज जनाजा भी पढ़ना जायज कोई नहीं है, वह ला युदा लहु बिल मगफिरा, उस बेनमाजी के लिए हाथ उठा करके दुआ करना भी जायज कोई नहीं है, वला युदफन फी मकाबिरिल मुस्लिमीन, आप फरमांदे ने उस बंदे नु मुसलमानां दे कब्रिस्तान च दफन भी कोई नहीं करना, उस नु ले जाओ किसी यहूदियां ईसाइयां दे कब्रिस्तान विच ले जाओ, उस बंदे दा मुसलमानां दे नाल कोई ताल्लुक नहीं।
इस्लाम ने इतनी सख्त गुफ्तगु किसी और मसले पर नहीं की है जितनी सख्त गुफ्तगु इस्लाम ने नमाज के बारे में की है। हजरात गिरामी कदर आइए आइए हम अपनी नमाजों को दुरुस्त करें। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत सैयदना फारूक आजम नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की और आगे अबू लोलो फिरोज मजूसी उसने आकर के खंजर का वार किया है। आप नमाज पढ़ा रहे हैं फजर की और देखो ना किड़ा सोना वेला सी मेरे नबी दे शगिर्द 22 लाख मरबा मील दा हुक्मरान है ते फजर दी नमाज हुक्मरान आप पढ़ा रहे ते फिर जदों मिंबरे रसूल ते खड़े होके गुफ्तगू करदे ने कैसरो किसरा दे बड़े बड़े महल हिल जांदे ने न जाने उमर ने की इरशाद फरमा छड़े पता नहीं की हुक्म जारी हो गए। हजरात गिरामी कदर खंजर लगा आखिरी बात तवज्जो खंजर लगा नमाज की हालत में आप वहीं पर गिर गए आप भी होश हो गए आपकी अंतरियां बाहर निकल आई हैं। पीछे हजरत एक सहाबी ने आगे बढ़ करके नमाज को मुकम्मल किया है नमाज मुकम्मल हुई और देखा और हजरत फारूक आजम को पकड़ा तो बेहोश हो गए हैं नमाज नहीं पढ़ी बेहोश हो गए हैं सब लोग आपको उठा रहे हैं सब लोग आपको उठा रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं रहे। एक सहाबी कहते हैं मेरे पास तरीका है हजरत उमर को उठाने का। आप कान के करीब जाकर के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आपकी नमाज का वक्त जा रहा है फजर की नमाज कजा हो रही है नमाज जा रही है। आप फौरी बेहोशी के आलम से उठ गए और उठ करके आप कहने लगे जिसकी नमाज नहीं उसका कुछ भी नहीं जिसके पास नमाज नहीं है उसका कुछ भी नहीं है। आपको आपने नमाज आपने कहा लाओ लाओ वजू का पानी लेकर के आओ मैंने नमाज पढ़नी है। आपको आपको सहाबा कहने लगे आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें अंतरियां आपकी बाहर आ गई जख्म लग चुका है। कहा मेरे वजू वाले अज़ा बिल्कुल दुरुस्त है उमर नमाज पढ़ेगा तो वजू करके पढ़ेगा। हजरात गिरामी कदर आइए यही अंदाज हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सिखाया है। आपने नमाज का एहतिमाम फरमाया और सहाबा ने नमाज का एहतिमाम फरमाया और जेड़ा बंदा 5 वक्त मस्जिद आंदे नमाज पढ़ दे उसनु मिलेगा कि कल कयामत वाले दिन अल्लाह एक आवाज लगाएगा और आखेगा आई न जीरान ओए दसो मेरे पड़ोसी किथे ने मेरे पड़ोसी किथे ने। जिब्रील कहेगा ए अल्लाह तेरे पड़ोसी तेरा कोई पड़ोसी कौन हो सकता है तेरा पड़ोसी कौन हो सकता है ते अल्लाह आखेगा या अल्लाह आखेगा आई न उमारुल मसाजिद वो बंदे किथे ने जिन्हों का दिल मस्जिद के नाल लगा करता सी जेड़े 5 वक्त नमाज अदा करते सन जो दुनिया में रह के 5 वक्त मेरे घर के नेड़े नेड़े रहने आज मैं कयामत वाले दिन उन्होंने अपने नेड़े रखांगा सुभान अल्लाह। आइए हजरात गिरामी कदर फिक्र आखरत पैगाम ये है कि आखरत की फिक्र करके नमाज का इस्तेमाल कीजिए। कायनात का परवरदिगार हम सबको नमाजी बनाए ऊंची कह दे आमीन। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।